हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर्स में हम 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, तो उसमें 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं, 7th, 9th, 10th एंड 11th, इनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। हाँ, यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला वही जो अपना चला हुआ आ रहा है nth टर्म का, वही हमने बार बार यूज किया है, उसी का यूज करेंगे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर 31st टर्म यानी A31। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, यहाँ जस्ट इससे एक कम आता है एन माइनस वन, यानी 31 में से एक कम करेंगे तो 30 इंटू में डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें रिक्वायरमेंट है, एक तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाए और एक हमें क्या मिल जाए, डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है, और वो कंडीशन क्या है, 11th टर्म इज 38 यानी 11th टर्म दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस 10d एंड दिस वन इज 38 एंड 16th टर्म इज A16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15d इज इक्वल टू 73। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए, इसको आप सेकंड नाम दे दीजिए, इसको थर्ड। तो देखिए बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें हमें ए और डी दो वैल्यू चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें दो कंडीशन दी हुई है, इन दोनों का यूज करके हम ए और डी को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड चैप्टर में जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, या हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में वहाँ एक्स और वाई होते हैं, यहाँ ए और डी है। तो एक्स या वाई में से किसी एक का कोफिशियंट हमने इक्वल करना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी देखना ए का कोफिशियंट इक्वल है, तो आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें सेकंड में से कौन सी को, थर्ड को। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से हम कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस 15d प्लस 10d कितना आएगा स्टूडेंट, ये माइनस का 5d इज इक्वल टू 73 माइनस, और ये 38 जो है वो प्लस का है, तो 73, और इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, एक कैरी इधर चली गई थी, 6 में से 3 को 3, क्योंकि माइनस जो है वो 38 के साथ नहीं है, 73 के साथ है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 35, क्योंकि माइनस 73 जो है वो नेगेटिव है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे, कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 35 एंड डी इज इक्वल टू 7। तो बच्चों, एक जो वैल्यू हमें चाहिए थी कॉमन डिफरेंस, वो यहाँ आ चुका है। अब हमें किसी तरीके से फर्स्ट टर्म और मिल जाए, तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डी की वैल्यू को या तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 7 इंटू सेकंड। तो सेकंड ए प्लस 10 इंटू, इन प्लेस ऑफ डी वी हैव टू पुट 7 इज इक्वल टू 38 एंड ए प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38, और यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 38 माइनस 70, 10 में से 8 2 1 कैरी हो गई थी इधर से, 6 में से 3 और नेगेटिव साइन है ग्रेटर के साथ, तो माइनस 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस 32। नाउ वी हैव टू फाइंड ए 31,
टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड 31st टर्म। तो हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई है। आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन टू फर्स्ट। तो जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में दोनों वैल्यू रखेंगे तो ए 31st इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू और डी की वैल्यू स्टूडेंट 7, यहाँ 7 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा माइनस 32 प्लस 210, 3 7 जा 21। तो 210 में से आप 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 2 8, 1 कैरी हो गई थी 0, 0 यानी 10, 10 में से 3 7, 1 कैरी हो गई थी 1। तो ये बच जाएगा बच्चों 178, ये आ गई 31st। तो इस तरीके से बच्चों ये 7 क्वेश्चन हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है ये स्टूडेंट्स 9th। इसको कैसे करना है? इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। तो बच्चों जब क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो हमारे पास गिवन क्या है यानी जो दे रखा है वो, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म आपको गिवन है, तो इनको आप लिख लीजिए। थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस 2d, और थर्ड टर्म कितनी है 4, एंड 9th टर्म ए 9 यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू दिस इज -8। तो दो चीज़ें ये हमारे पास हो गई, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए, एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इसको आप सेकेंड नाम दे दीजिए। वी हैव टू फाइंड विच टर्म ऑफ दिस ap इज 0, यानी ये कह रहा है कि इसकी कोई एक टर्म जो है वो 0 है, तो आपने बताना है वो टर्म जो है कितनी पोजीशन पे है, यानी पांचवी पोजीशन की पांचवी टर्म 0 है, छठी टर्म 0 है, आठवीं 0 है, ग्यारहवीं 0 है, वो हमने बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमने लेट कर लिया nth टर्म इज 0, देन वी हैव टू फाइंड n, यानी n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो nth टर्म इज 0, nth टर्म कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड दिस इज गिवन 0। अब देखिए इस वैल्यू को, n की वैल्यू को, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले हमें a यानी फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, और हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस d, वो हम यहाँ से निकालेंगे। दोनों वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, a भी आ जाएगा और d भी आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों के कोफिशेंट ऑलरेडी इक्वल है, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये वाला कैंसिल, माइनस 8d प्लस 2d माइनस 6d इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12, एंड d इज हियर माइनस 2, आप 6 को इधर बाई में लाइए, माइनस 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, अब हमें फर्स्ट टर्म और चाहिए, तो इस d की वैल्यू को आप या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूँ, फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, a प्लस 2 इंटू इन प्लेस ऑफ d की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2 इज इक्वल टू में 4, a 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, एंड a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, और ये हो गया 8। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, d भी आ चुकी है, तो अब क्या करें, इसमें रख दीजिए, a के स्थान पे हम क्या रख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 8 को आप उधर ले जाइए, n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 2 इसके साथ इंटू में है तो उधर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 8 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया स्टूडेंट 4, एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5।
अब देखिए n की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें चेक करना है हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, ए 5 को फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें कन्फर्म हो जाएगा। अगर फिफ्थ टर्म इसकी 0 आती है तो ये 0 के इक्वल ही थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d। ये आप एक्स्ट्रा है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वेरीफिकेशन है। फर्स्ट टर्म इज, अभी हमने फाइंड आउट किया था, 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 एंड दिस इज 0। इसका मतलब n की वैल्यू जो 5 आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो आगे चलने से पहले हम इसी कंडीशन को लिख लेते हैं। क्या 17th टर्म जो है वो कह रहा है बच्चों 10th टर्म से एक्सीड यानी ज्यादा है कितनी, 7। 17th टर्म जो है ये 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7। इसका मतलब क्या है बच्चों, 7 को आपने इधर ही ऐड क्यों किया, इधर ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा तो ये है, कई बार ये हमारे दिमाग में आ जाता है। तो देखिए बच्चों 17 टर्म जो है वो एक्सीड है, ऑलरेडी ज़्यादा है किससे, 10 टर्म से, यानी ये टर्म कम है इससे। अगर इन दोनों को मेरे को बराबर करना है, इक्वल करना है, तो जो कम है उसको देना पड़ेगा कितना, जितनी वो कम है, कितनी कम है, 7। तो मैंने इसको कितना दे दिया, क्योंकि ये 7, ये जो है इससे 7 ज़्यादा थी, तो इसका मतलब ये वाली इससे 7 कम हो गई, तो इसको कुछ ज़्यादा चाहिए, कितना, 7। तो हमेशा अगर दो क्वांटिटी को हमने इक्वल करना है तो जो कम है उसी में ऐड करना होता है। तो 10th टर्म जो है वो कम है इससे कितनी, 7, तो हमने इसको 7 दे दिया, जिससे दोनों क्या हो गई, इक्वल। अब nth टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस 16d इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब देखिए स्टूडेंट, ए से ए दोनों तरफ कैंसिल, आप इसको इधर ले आइए, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16d में से 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 साथ में क्या लगा हुआ है, डी इज इक्वल टू 7, एंड डी इज हियर 7/7 एंड दिस कम्स आउट 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, वो कितना आ गया है, 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th। 11th को देखिए, विच टर्म ऑफ द ए पी 3 15 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक ए पी दी हुई है आपके सामने, लिख रहा हूँ मैं 3 15 27 and 39 and so on। एक ए पी दी हुई है, इसमें कह रहा है कि इसकी कोई एक टर्म है, विच टर्म ऑफ द ए पी जो हमने बतानी है, इसकी कौन सी टर्म इस टर्म से 132 ज़्यादा है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी 130 मोर देन 54th। तो वो टर्म हमने एनएच टर्म लेट कर ली, लेट एनएच टर्म इज 132 मोर देन ए 54, यानी 54 टर्म से 132 ज्यादा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये ज़्यादा हुई है, ये ज़्यादा हुई, तो ये ज़्यादा है, बिल्कुल क्लियर है, लिखा हुआ भी है, एनएच टर्म इज 132 मोर देन, तो ये कम हुई। अगर इन दोनों को आपने इक्वल करना है, एनएच टर्म को, एनएच टर्म कैन बी रिटन एज ए एन, और इसको आपने इक्वल करना है ए 54 के, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 132, यानी इसको 132 आप ऐड कर देते हो इसमें तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल। दिस कैन बी रिटन एज बाई फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस 53d और प्लस 132। अब देखिए दोनों स्टूडेंट, दोनों तरफ ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 53d प्लस 132। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है, क्योंकि हमें बताना है कौन सी टर्म है ये,
तो इसमें एक अननोन वैल्यू और है डी। अब अगर हमें डी और मिल जाए तो वी कैन फाइंड एन। अब डी कैसे मिलेगा, एपी हमें दे रखी है, डी इज हियर, डी हमें फाइंड आउट करना आता है। कोई भी आप आर्बिट्रेरी टर्म ले लीजिए अपनी तरफ से, कोई भी एक, इसको छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के 27, उससे प्रीसीडिंग टर्म, उससे जस्ट पहले वाली टर्म, इसको आप ले लेते हो तो इससे फर्स्ट टर्म है ही नहीं। तो आप कोई ऐसी टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे मैंने 27 ले लिया, उसमें से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को आप माइनस कर दीजिए, आपको डी मिल जाएगा। 27 माइनस 15 ये आ गया स्टूडेंट 12, तो आप यहाँ डी के स्थान पर 12 रख दीजिए, ये आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12। अब देखना स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 11। अगर आप 11 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 टू जा 22, 2 कैरी 11 बन जा 11 और प्लस 2 30, यानी 132 को आप अपनी तरफ से सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर रहा हूँ 12 इंटू 11। अब देखिए बच्चों, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, शाबाश बोलिए, 12 तो अंदर हो जाएगा, 53 प्लस 12 हमने कॉमन ले लिया 11, दोनों तरफ 12 से 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं। एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा स्टूडेंट 53 में 11 को ऐड करोगे तो 64, एंड एन इज इक्वल टू 64 प्लस 1 एंड दिस इज 65। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो ए 65 टर्म आएगी यानी 65 टर्म, वो ए 54 टर्म से कितनी ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी।